अस्सलाम वालेकुम आदाब, बीबीएन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जोशी मठ में दरारों के दरमियान उत्तरकाशी में जलजले के झटके, लोगों में खौफ व हिरास। शिरडी जा रही बस का नासिक में खौफनाक सड़क हादसा, 10 मुसाफिर हलाक और 40 जख्मी। और तलबा यूनियन इंतखाबात के लिए AMU तलबा का एहतजाज, तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। और अब खबरों की तफसील। उत्तराखंड के जोशी मठ बोहरान के दरमियान उत्तरकाशी ज़िले से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बार फिर जलजले के झटकों से लोग खौफ में मुब्तला हो गए। दरअसल उत्तरकाशी ज़िले में दोपहर 2:12 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले के झटकों की वजह से उत्तरकाशी ज़िले के लोगों में दहशत का माहौल है। मौसला इतला के मुताबिक जलजले की शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 2.9 रिकॉर्ड की गई है, जिसका मरकज उत्तरकाशी में ज़मीन के अंदर 10 किलोमीटर बताया जा रहा है। भले ही जलजले का मरकज जोशी मठ से तकरीबन 240 किलोमीटर दूर था, लेकिन लोगों को ये खदशा भी है कि झटकों की वजह से दरारें कहीं बढ़ ना जाएं। वहीं इससे पहले भी उत्तरकाशी में गुज़िश्ता चंद महीनों में ज़मीन हिलने की वजह से लोगों में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया था। महाराष्ट्र के नासिक में जुमा की सुबह एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। नासिक सिनार रोड पर एक प्राइवेट लग्जरी बस ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक हो गए, जबकि 40 दीगर जख्मी हो गए हैं। मौसूला इतला के मुताबिक बस में सवार तमाम मुसाफिर साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी जा रहे थे। रियासत उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने बड़ी तादाद में जमा होकर एहतजाज मार्च सुलेमान हॉल से बाबे सैयद तक निकाला। एहतजाज के दौरान तलबा ने यूनिवर्सिटी के बाब सैयद गेट को बंद कर दिया और यूनिवर्सिटी इंतजामिया से तलबा यूनियन के इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का मुतालबा किया। नारेबाजी करते हुए तलबा ने इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी प्रोक्टोरियल टीम को वाइस चांसलर के नाम एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें मुतालबा किया गया है कि 24 घंटे के अंदर तलबा यूनियन के इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए, बसूरत दीगर यूनिवर्सिटी में तलबा धरना देंगे। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 8 जनवरी को मुनक्कद होने वाले पटवारी भर्ती इम्तिहान का सवालिया पेपर लीक हो गया। इस मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही है। उनमें से एक पब्लिक सर्विस कमीशन का सेक्शन ऑफिसर है। इस सिलसिले में STF ने पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्शन ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी से 22,50,000 रुपये जो गैर कानूनी तौर पर सवालिया पेपर की कॉपियां और सवालिया पर्चे लीक करने के लिए थे भी बरामद किए गए हैं। टीवी की ड्रामा क्वीन राखी सावंत अपनी शादी को लेकर जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। राखी ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी और आदिल की फोटोज शेयर करते हुए अपनी शादी पर मुहर लगाई हैं। इसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं कि राखी ने आदिल के साथ शादी के बाद इस्लाम कबूल कर लिया है और साथ ही अपना नाम भी तब्दील कर लिया है। अब इस पर राखी सावंत के भाई राकेश ने रद्दअमल जाहिर किया है। राकेश ने कहा कि उन्हें इस बात की मालूमात नहीं है। उन्होंने कहा, ये तो मुझे नहीं पता, ये उनकी पर्सनल चीज़ हैं, शौहर बीवी की बातें हैं, हमको तो इस बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा कि राखी ने ये किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। पुराने शहर में वाक़ मीर चौक PS हदूद में गुज़िश्ता देर रात रेन बाज़ार पुलिस इंस्पेक्टर N रंजीत कुमार गौड़, SI वेंकटेश, SI विनोद, SI नरसिम्हा और उनकी टीम की निगरानी में चबूतरा मिशन और तलाशी मुहिम चलाई गई। इस दौरान पुलिस की जानिब से बिना लाइसेंस, बिना नंबर प्लेट और बगैर डॉक्यूमेंट्स के गाड़ियों को पकड़ा गया और तकरीबन 55 लोगों की काउंसलिंग की गई और 16 गाड़ियों को जब्त किया गया। इसमें एजुकेटेड है, काम करने वाला है, जो भी 1 बजे के अंदर ही खत्म कर लेके उसका घर पे उसको चले जाना।
ठीक है, आपके तरफ से दूसरों को तकलीफ नहीं होना, आपको भी तकलीफ नहीं होना। आप लोग फिरते रहते हैं इसमें एरिया में रहते हो, आपके जैसे आदमी थक जाके ऐसे गाड़ी पे आते रोड पे, कोई रुकते मार के छीन लेते, वो सब हो जाता। टाइम के अंदर गए, किसी का डर नहीं, ठीक है। नहीं तो सब अन्य से भी परेशानी है, देखो अभी भी बिठा सकता हूँ पाँच पैसे पर, मैं बिठा सकता हूँ अभी भी, नेक्स्ट टाइम नहीं करना कोई भी, ये टाइम पे नहीं रहना अभी। और तुम्हारा दूसरों के भी और तुम्हारा साथ में कोई रहता ना, उन लोगों भी बोल देना, साथ में डाइट हो गए, एक बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं आना बोल के। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके जोहराबी की दरगाह, जो एक कदीम दरगाह है, दरगाह के मुतवल्ली लियाकत हुसैन पर इलाके की खवातीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि यहाँ पर दरगाह में कोई इंतज़ाम नहीं है। अरसे दराज से दरगाह में बिजली सरबराही नहीं है और ना ही पानी का इंतज़ाम मौजूद है। उन्होंने कहा कि दरगाह की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है, लेकिन यहाँ कभी आहकपाशी नहीं की गई है। खवातीन ने मीडिया से बात करते हुए मुतालबा किया कि यहाँ के मुतवल्ली लियाकत हुसैन को फौरी बर्खास्त किया जाए और कोई जिम्मेदार मुतवली को मामूर किया जाए। हैदराबाद के मैलार देव पल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके शमा कॉलोनी की रहने वाली एक खानदान में जायदाद के मसले को लेकर पिछले कुछ माह से इख्तलाफात चल रहे थे। तफसीलात के मुताबिक दो भाइयों की कमाई से मकान बनाया गया, जिसको लेकर दोनों भाइयों के दरमियान कुछ अरसे से इख्तलाफात के चलते गुज़िश्ता रोज़ एक और भाई मोइन और फसी ने अपने बड़े भाई की बीवी शमा पर हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने गए शमा के छोटे देवर पर भी हमला किया गया, जिसके नतीजे में शमा का हाथ फ्रैक्चर हो गया और उनके छोटे देवर जहूर को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शरीक कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकल किया, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि यह सब पुलिस के सामने हुआ, बावजूद इसके पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बाद हजां शमा ने मीडिया से बात करते हुए उन्हें इसकी तफसीलात बताई। और मेरे देवर मैं और जेठानी रहते, अब प्रेजेंट कोई भी नहीं थे मेरे साथ, मैं अकेली थी घर में, मेरे दो बच्चे थे। तो ना पाँच जने पूरा घर का दरवाज़ा तोड़ के घुस गए घर में, उसके मारे मेरे पूरे मिल गए, बाहर निकाल दिए मेरे घर से। ये लड़ाई इसलिए चल रही कि मेरे शौहर के और मेरे जेठ के ना बाहर रह के घर खरीदे से रहे, तो खाए खाए में लड़ाई चल रही। तो हम लोग क्या करें, पाँच महीने पहले 10 लाख रुपये चुरा लेंगे, फिर से भागे सुसरे मेरे हस्बैंड के वाली साहब और दोनों भाइयाँ मिलके पैसे चुरा लेके, मोहम्मद हसूद होती, मोहम्मद मोइन होती, मोहम्मद फसी होती। किसके थे पैसे ये? मेरे हस्बैंड के और मेरे जेठ के। उस वक्त आपके हस्बैंड थे यहाँ पे? जी नहीं, नहीं थे, पैसे थे। उसकी शिकायत कंप्लेन दिए थे? कंप्लेन करे, पाँच महीने से चेक कर रहे कंप्लेन पर, कोई हमारा साथ नहीं रहा। शहर में कुछ अरसे से चेन स्नैचिंग के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह का एक वाकया रचाकुंडा इलाके के एलबी नगर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया, जहां एक मोटरसाइकिल सवार ने एक 50 साल खातून से उसकी गले की 2 तोले सोने की चेन उस वक्त छीन ली जब वो पैदल जा रही थी। सारिख ने खातून के गले से चेन छीन कर राह फरारी इख्तियार की, जिसके बाद इसकी शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने चोरी का एक मुकदमा दर्ज करके चोर की तलाश शुरू कर दी। आसिफाबाद टाउन के मुकामी मजलिसी सदर मोहम्मद सलमान ने संक्रांति त्यौहार के मौके पर सदर कुल हिंद मजलिस इतिहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कारवां रुकन असेंबली कौसर मुहीद्दीन और इंचार्ज MIM ज़िले कोमरम भीम आसिफाबाद व ज़िले मंचूरियाल के हुक्म पर आसिफाबाद मजलिस पार्टी की जानिब से एक मुकामी ZPSS बॉयज़ हाई स्कूल के तलबा में पतंगें तकसीम की। इस मौके पर आसिफाबाद टाउन मजलिस सदर मोहम्मद सलमान ने तलबा को संक्रांति त्यौहार की इनफरादियत के बारे में बताया और तलबा में पतंगबाजी की अहमियत पर शऊर बेदार किया। इसके अलावा तलबा को पतंग उड़ाते वक्त मुनासिब एहतियात बरतने का भी उन्होंने मशवरा दिया।
उन्होंने कहा कि मजलिस पार्टी हर मजहब के अलावा हिंदू त्योहारों, सकाफत और रवायात का एहतराम करती हैं और तमाम हिंदुओं और मुसलमानों को भाईचारे का पैगाम देती हैं और ये त्यौहार हर किसी की ज़िंदगी को खुशियों और मसरतों से भरने के लिए आता है। इस प्रोग्राम में जनरल सेक्रेटरी मीर काशिफ अली हाशमी, जॉइंट सेक्रेटरी शेख आरिफ शकील अहमद, खाजिन मोहम्मद पाशा के अलावा अजीमुद्दीन शहबाज और स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती परमिला और दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। जोशीमठ में दरारों के दरमियान उत्तरकाशी में जलजले के झटके, लोगों में खौफ व हिरास। शिरडी जा रही बस का नासिक में खौफनाक सड़क हादसा, 10 मुसाफिर हलाक और 40 जख्मी। और तलबा यूनियन इंतखाबात के लिए AMU तलबा का एहतजाज, तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। BBN न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी TV पर आप BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तियाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।